ध्यान से देखिए, ये झाड़ू बहुत अच्छा मारती है। आज भुट्टा पूजेंगे, ना भुट्टा इसीलिए आग लगा है। ये देखिए भुट्टा पूजने वाली इंसान जो इतना दूर बैठी है हमसे। बाहर घूमो, मम्मी बोल रही है बाहर घूमने के लिए। कृपया करके इसे जरूर बुलाइएगा अपने घर झाड़ू मारने के लिए। इसे अच्छे से देख तो देखिए कितने अच्छे से ये झाड़ू मारती है। यहाँ पे आग लगाए हैं, आज भुट्टा पूजेंगे। ये देखिए मेरा भुट्टा, इसीलिए आग लगाए हैं, भुट्टा पूजेंगे। अपने कल्लू गल्लू को निकालते हैं, ये देखिए। तो ये रही भुट्टा पूजने वाली इंसान जो इतना दूर बैठी है हमसे। देखिए उन्हें ये क्या कह रही है। हमें ये कहिए खरगोश को खेत में छोड़ने के लिए। ये देखो घर में भाग गई है खेत में जाने के बजाय। बाहर चल, चलो बाहर घूम के कल्लू, बाहर घूमो। मम्मी बोल रही है बाहर घूमने के लिए, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। अपने घर के ऊपर चढ़ रही है छत पे। अंदर अंदर भी नहीं जा रहे हैं, बल्कि घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन है, अच्छे से देखिए। 10 रुपए में भुट्टा खरीदिए इनके यहाँ से। और कम कर देंगी। देखिए भुट्टा खरीदने के लिए इनके यहाँ जरूर आइएगा। ये देखिए ये भुट्टा बेचने वाली आंटी जी हैं, 10 रुपए का एक भुट्टा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज है नेक्स्ट डे, तो आज मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आने के बाद हाथ मैंने चेक कराया, हाथ में तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि हाथ उसी तरीके से सूजन पड़ा हुआ है। तो सुई आज 5 लगा दिया था दवा, मतलब जहाँ मैं आई थी हॉस्पिटल में, तो आज भी उतनी ही सुई लगी है और उतनी ही सारी दवाइयाँ मिली हैं मुझे। लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ वहाँ बैठ के बिताना पड़ा है। और फिर यहीं से हम निकल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए कि हाथ किस तरीके से सूजन पड़ा हुआ है। जब वो सुई लगाते हैं तो इस तरीके से फूल जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाती है सुई से। बोलते हैं 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा, तो यही है वो हॉस्पिटल। और फिर हम यहाँ से निकल गए हैं कोमल के कॉलेज में, तो कुछ काम था वहाँ पे भी, तो वहाँ पे कुछ काम करके फिर हम लौटेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं मढ़ियाओं का रोड। सब साइकिल से ही आते हैं। नाम क्या है उनका? आप उनसे मिल लीजिए, क्या क्या बताया है। Thank you.
तो कॉलेज में जो काम से आए थे वो काम नहीं हुआ, वो होगा सोमवार के दिन। तो ये बोले चलो अच्छा पता कर लिए हैं, उतना ही बहुत है, तो यहाँ से निकलते हैं अब। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत दोपहर हो चुकी है, बहुत तेज़ की धूप है। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे, तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा पानी पूरी खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने, मैं तो फ़िलहाल नाश्ता करके निकली थी। अब इनका नहीं पता ये दुकान पे नाश्ता किए थे कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि मुंबई में ही मैंने खाया था, फिर यहाँ आने के बाद मैंने नहीं खाया, क्योंकि सावन का सोमवार भी चल रहा है और सोमवार को उपवास रहते हैं और फिर मंगलवार को लहसुन प्याज खाते ही नहीं हैं, तो ऐसे ही दिन निकल जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो चलिए फिर खा लेते हैं। मढ़ियाओं से आने के बाद यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो शाम का खाना मैं क्या बना रही, मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर दूँ कि इतना भागम दौड़ करने के बावजूद सुई की वजह से बहुत हाथ में दर्द भी है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, मुझे बनाना पड़ता है। कोमल है घर में, लेकिन वो बोलती भी है कि मम्मी रहन दो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं रहन दो, तुम पढ़ाई करो, अभी 11 का पढ़ाई है तुम्हारा, तुम पढ़ाई कर लो और रोटी फिला लो, बना देती है। तो मैं सोचती हूँ सब्जी और चावल तो मैं बना ही सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने लहसुन छिल के नहीं रखा था और प्याज मैंने डाला ही नहीं, मैंने सोचा ऐसे ही बना देते हैं आज। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल दिए, यहाँ पे जो मैंने आप लोग को दिखाया था मसाला गरम लाए थे, फिर इतना सा ही डालना है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ गरम मसाला है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसका मसाला जो है भून लेंगे और फिर पानी ग्रेवी के लिए डाल देंगे। चलिए फिर फटाफट बना लेते हैं खाना भी। खाना मेरा हो गया। यहाँ पे कोमल का सूप मैं काट रही थी, तो यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर आ गए थे। तो फर्स्ट टाइम मेरे सब्सक्राइबर आए हैं, ये तो कहते हैं बहुत सारे आते हैं जो कि मुझसे ही मिल के जाते हैं, लेकिन ये मतलब मुझसे मिले और मुझे नमस्ते भी किया और दुआ भी बहुत दिया, बहुत तारीफ़ भी किया मेरे ब्लॉग के लिए, मेरी वीडियो के लिए, कि बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो आप, ऐसे ही लगे रहो। तो यहाँ पे कोमल का ड्रेस भी सिल लिया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हाथ से मैंने लेस भी लगा दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है लेस की वजह से सूट। तो कैसा मैंने सिला है आप लोग ज़रूर बताना।